हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट एनिमल अराउंड अस। इन प्रीवियस क्लास वी लर्न सम टॉपिक ऑफ एनिमल अराउंड अस लाइक फीडिंग हैबिट्स, काइंड्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, रोडेंट, प्रोबोसिस। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट ब्रीथिंग इन एनिमल्स। ऑल एनिमल्स take oxygen and give out carbon dioxide to stay alive. In the process of breathing, animal take oxygen from the air and give out carbon dioxide in the air. This process is known as breathing or respiration. Students, different animals on the earth have different type of breathing organs. Human beings, birds, reptiles breathe through lungs. Students, now look at the whiteboard. Here the structure of human breathing systems. Nostrils, lungs. In human beings, lungs with the respiratory organs, where human beings take oxygen, this oxygen reaches to the lungs, where lungs absorb oxygen and give out carbon dioxide and some water vapors through the air. स्टूडेंट्स, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये ह्यूमन बींग का रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है। ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और इससे होते हुए विंड पाइप से होते हुए ये लंग्स में आ जाती है। लंग्स में बहुत छोटे छोटे ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये इसमें ब्लड का मूवमेंट होता रहता है। यहाँ ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को छोड़ देते हैं, जो पुनः जब हम सांस छोड़ते हैं तो वह नाक के माध्यम से एयर में चला जाता है। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाकर के जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट है उसे एनर्जी में तोड़ता है। जब एनर्जी में तोड़ता है तो वो एनर्जी का हम यूज करते हैं अपने शरीर की डेली एक्टिविटी, शरीर के ग्रोथ, इन सब क्रियाओं में एनर्जी का हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, हियर द स्ट्रक्चर ऑफ फिश। फिश आर एक्वाटिक एनिमल्स, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। स्टूडेंट्स, ये फिश का माउथ, यहां से वाटर अंदर लेती है और यहां पर स्टूडेंट्स ये वाटर अंदर जाता है। उसके बाद यहाँ से जो ये बगल से गिल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पानी मुंह में जाता है तो उनसे बाहर ऐसे गलफड़ों से निकलता रहता है। गलफड़ों में यहाँ गिल्स होती है, ये डार्क रेड कलर के पैचेस होते हैं, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में ही छोड़ देते हैं। जहाँ फिश रहती है वहाँ बहुत से एयर बबल्स बाहर आते रहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स फिश जो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग्स। फ्रॉग आर
एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मींस सम एनिमल्स लिव इन वाटर ऑन लैंड्स, ऐसे जीव जो जल और लैंड दोनों पर रहे उन्हें हम क्या कहते हैं एम्फीबियंस। जब ये लैंड पर रहता है तो लंग्स के माध्यम से, हियर द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, लंग्स के अकॉर्डिंग ये ब्रीथ करता है, लेकिन जब यह वाटर में चला जाता है तो स्किन के माध्यम से भी सांस लेता है, मॉइस्ट स्किन। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं एम्फीबियंस, यानी यह लैंड पर और वाटर दोनों जगह रहने में सक्षम है, दोनों जगह अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है। लैंड पर रहता है तो लंग्स के माध्यम से सांस लेता है, और वाटर में रहता है तो मॉइस्ट स्किन के माध्यम से सांस लेता है। स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट हेडिंग मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, सेफ ब्रीडिंग प्लेस एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम एनिमी। स्टूडेंट्स एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान को भोजन की तलाश में, सेफ ब्रीडिंग प्लेस के लिए और शत्रुओं से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमते रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स टू वॉक, रन एंड वॉक। स्टूडेंट्स जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उसमें फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स होते हैं जिसकी सहायता से वे चलते हैं, दौड़ते हैं या मूव करते हैं। एग्जांपल्स कंगारू, कंगारू हो ऑन देयर हाइंड लिम्स बिकॉज देयर हाइंड लिम्स आर स्ट्रॉन्गर देन फोर लिम्स। करें जो कंगारू है उसका पैर, पिछला पैर जो है अगले पैर की तुलना में स्ट्रांग होता है, जिससे वह पिछले पैर की सहायता से बड़ी लंबी लंबी छलांग लगाता है। स्टूडेंट्स लिजर्ड्स, लिजर्ड्स हैव स्मॉल लेग्स टू क्रबल ऑन बॉल एंड सेलिंग। स्टूडेंट्स लिजर्ड मींस छिपकली, आप देखे होंगे आपकी दीवार पर ऐसे वो रहती रहती है, छत के ऊपर ऐसे टहलती रहती है। उसके पैर तो होते हैं लेकिन पैर बहुत स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए जब वो चलती है तो उसका पैर भी खिसकता रहता है। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिश, फिश हियर द स्ट्रक्चर ऑफ फिश, फिश कैन स्विम इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल्स। फिन्स हेल्प द मूवमेंट ऑफ द फिश, गिल्स आर हेल्प द ब्रीथिंग ऑफ फिश, टेल्स आर हेल्प द चेंज डायरेक्शन ऑफ फिश। स्टूडेंट्स फिश ये फिन की सहायता से मूव करते हैं, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं जिसकी सहायता से आगे बढ़ती रहती है, इसकी सहायता से टेल्स की सहायता से डायरेक्शन को चेंज करती है। टेल्स इज द स्टेरिंग ऑफ फिश, गिल्स इज द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ फिश। स्टूडेंट्स फिश के बॉडी पर स्केल होते हैं, कभी आप किस खाए, अच्छा आप खाए होंगे तो फिश को धुले होंगे, और जब आप धुलते हैं उसको तो रगड़ते हैं, जब रगड़ते हैं तो व्हाइट सिल्वर व्हाइट कलर का छोटा छोटा स्पॉट ऐसे अलग हो जाता है। जो सिल्वर व्हाइट कलर का स्पॉट थोड़ा थोड़ा अलग होता है वही स्केल, स्केल प्रोटेक्ट देम द बॉडी ऑफ फिश फ्रॉम वाटर, इट सीक्रेट म्यूकस। स्टूडेंट क्या कभी आप फिश को पकड़े हो, यदि आप पकड़े होंगे तो बहुत लसलसी लगती है, बहुत चिकनी लगती है फिश, आसानी से वो चटक जाती है। जो लसलसा लगता है वो चिकना लगता है वो एक म्यूकस है जो फिश अपने बॉडी से सीक्रेट करती है, वो उसके शरीर को नम बनाए रहती है, वह पानी में तो रहती है लेकिन वाटर
उसके बॉडी को टच नहीं करना। जिस दिन वाटर उसके बॉडी को टच करेगा वो सड़ जाएगी, मर जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फ्रॉग, फ्रॉग हैव वेब हाइंड लेग्स दैट हेल्प देम टू स्विम। करें जो फ्रॉग के पिछले पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड मीन्स पाद जात पाए जाते हैं, जैसे ये उंगलियां हैं उनके बीच में ऐसे वो पर्दे टाइप के लगे रहते हैं जिनकी सहायता से वो आसानी से पानी में तैर लेता है। और अभी हम आपको बताएंगे कि फ्रॉग होता है वह एम्फीबियंस है, वह लाइट पर भी आसानी से रह लेता है और वाटर में भी आसानी से रह लेता है। स्टूडेंट्स टर्टल, कछुआ आप देखे होंगे, कछुआ देखे हैं? अच्छा, कछुआ करें टर्टल एंड पेंगुइन इज फ्लेवर टू स्विम इन वाटर। करें टर्टल और पेंगुइन इनके पैरों में भी क्या होते हैं? फ्लिपर होते हैं जिनकी सहायता से ये पानी में बहुत तेजी से और आसानी से तैर लेते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट, मोस्ट इंसेक्ट हैव सिक्स लेग्स टू मूव। करें जो इंसेक्ट आप देखें जैसे हाउस फ्लाई आप देखें, मॉस्किटो देखें, मच्छर जो रात में आपको काटता है, इनमें सिक्स लेग होते हैं जिनकी सहायता से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट एंड एंड कॉकरोच ट्रेवल ऑन द लेग्स। करें कुछ जैसे चींटी और कॉकरोच, कॉकरोच आप देखे होंगे, कॉकरोच पेरिक्लेरेटा में करना इसका साइंटिफिक नेम है कॉकरोच का। ये नॉक्टर्नल होता है, रात में दिखाई देता है, हल्के ब्राउन रेड कलर का होता है और ये ओमनिवोरस होता है। ब्राउन रेड कलर का होता है और ये ओमनिवोरस है, सब कुछ खाता है जिसे हम आप ओमनिवोरस हैं। ओके इंसेक्ट, नाउ स्नेक, स्नेक एंड एथवा। स्टूडेंट्स स्नेक एंड एथवा, स्टूडेंट्स जो स्नेक होता है उसमें भी स्केल पाए जाते हैं, उसके नीचे की सतह पर पर इस तरह से मूवमेंट करता है तो एक स्केल को फंसा करके फिर दूसरे को फंसाता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वह जिगजैग चलता है। और जहाँ पर प्लेन सरफेस है जैसे मान लो जहाँ टाइल्स लगी है या घर प्लास्टर है, पुट्टी लगी है, उस पर ये नहीं चल पाता क्योंकि उसका स्केल जो है उसमें फंस नहीं पाता। ठीक है, यदि वह इसने आपके हाथ के ऊपर से या पैर के ऊपर से खिसक चला जाए तो वैसे ही आपका हाथ कट जाएगा क्योंकि वो जब स्केल उसके फंसेंगे तो वो कट जाएंगे। ठीक है, और जो एर्थवॉर्म है, एर्थवॉर्म जब चलता है तो पहले अपने आगे वाले हिस्से को उठा करके आगे जमीन से चिपका लेता है, फिर पीछे वाले हिस्से को खींचता है। ठीक, इस तरह से वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नाउ स्टूडेंट्स बर्ड्स, स्टूडेंट्स द शेप ऑफ बर्ड स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है आगे पतला, बीच में मोटा, पीछे भी पतला। जो बर्ड का शेप है वो फिश शेप है, एरोप्लेन शेप है, बोट शेप है। स्टूडेंट्स द हाइंड लिम्स ऑफ द बर्ड्स इट्स मूव ऑन द ग्राउंड, होप ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स है wings and feathers, wings help to bird fly in the sky from one place to another place. Bird flaps are very strong. करें जो चिड़िया होती है उसका शरीर धारा रेखित होता है,
जिससे वह आसानी में हवा में आसानी से उड़ लेती है। बर्ड का हार्ट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो जितनी तेजी से उड़ती रहती है उसका हार्ट जो है उसे ऑक्सीजन की सप्लाई देता रहता है। ऑक्सीजन की सप्लाई मिलने से वो कंटिन्यू उड़ती रहती है। जिससे हम आपको भी दौड़ा दिया जाए तो हमारा हार्ट हमको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे पाता। यदि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हमारे ब्लड में जो एनर्जी है वह जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, या जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो थोड़ी दूर हम दौड़ने के बाद क्या होता है, गिर जाते हैं। लेकिन बर्ड का जो हार्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वह उसे एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, ऑक्सीजन देता रहता है, जिससे वह उड़ती रहती है। नाउ द बर्ड्स बोन्स आर हॉलो फिल्ड विद एयर, करें जो बर्ड्स हैं उसकी हड्डियां पकली होती हैं उसमें हवा भरी रहती है, जिससे उसका बॉडी क्या होता है, लाइट होता है, जिससे वह आसानी से और उड़ लेती है। सम बर्ड आर फ्लाइटलेस, कुछ ऐसे बर्ड हैं जिसे ऑस्ट्रिच कीवी पेंगुइन ये फ्लाइटलेस बर्ड ये उड़ नहीं सकते, इनके जो विंग्स होते हैं बहुत स्ट्रांग नहीं होते, इनका शरीर जो है बहुत वजन होता है। लेकिन ऑस्ट्रिच वेरी फास्ट रनिंग इन टू लेग्स, करें दो पैरों के जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है ऑस्ट्रिच। 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी तेज से दौड़ता होगा। 60 स्पीड से कोई बाइक वाला आपके बगल से गुजर जाता है तो आपको लगता है बहुत तेजी से गिरा। केवी ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ये सिर्फ जमीन पर चल सकते हैं। पेंगुइन ये भी फ्लाइटलेस है, इसके विंग्स बहुत कमजोर होते हैं जिससे ये उड़ नहीं सकते। नेक्स्ट स्टडी है माइग्रेशन, एनिमल्स मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड वाटर शेल्टर एंड सेफ ब्रीडिंग प्लेस एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमी, दीज आर कॉल्ड माइग्रेशन। सम एनिमल्स मूव इन वन प्लेस टू अदर प्लेस इन एडवर्स कंडीशंस फॉर फूड शेल्टर Self-breeding place and protect them from enemy. This process known as migration. कुछ ऐसे जीव हैं जो विपरीत जलवायु में एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं, जहां पर उनको आसानी से रहने के लिए स्थान मिल जाए, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और प्रजनन के लिए अच्छा स्थान मिले और शत्रुओं से अपने आप को बचा सकें। वो ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जैसे आपने देखा होगा इलाहाबाद प्रयाग में जब कुंभ का मेला लगता है तो साइबेरियन क्रेन आ जाते हैं। अब साइबेरिया से इतनी दूरी तय करके वो इलाहाबाद में आ जाते हैं, क्योंकि साइबेरिया में विंटर सीजन में जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उन सब का पानी जम जाता है। जब पानी जम जाता है तो वहां उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता, अन्य चीजों की प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो ऐसे कंडीशन में यहाँ चले आते हैं और जैसे ही विंटर सीजन समाप्त होता है और ये पुनः अपनी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो इस जो एक स्थान से दूसरे स्थान को आते हैं और चले जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। एग्जाम्पल इसमें क्या है, साइबेरियन क्रेन। ओके स्टूडेंट्स, now the chapter animal around us are the end, we meet next day, next topic. Okay, thank you, bye.